लेते हैं बिहार के बेतिया से है। बिहार के बेतिया में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, 6 इसमें घायल हुए हैं और सुबह करीब 10 बजे बदमाशों ने फायरिंग को अंजाम दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक पर सवार होकर 1.5 किलोमीटर तक फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग में 4 हमलावर शामिल हैं पुलिस के मुताबिक। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, अंधाधुंध फायरिंग हुई है एक बार फिर से, इसके पीछे किसका हाथ है और क्या इनपुट सामने निकल कर आया है? देखिए बिल्कुल, अभी जो इनपुट सामने आया है उसमें पता चला है कि घटना करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में है। बेतिया से योगापट्टी के अलोली गांव है, वहां पे जो वार्ड काउंसलर थे उनके ऊपर सबसे पहले हमलावरों ने फायरिंग की थी, उनके गर्दन में गोली लगी विजय कुमार। उसके बाद जब गाँव वाले जो है हमलावरों के पीछे भागे, उसके बाद एक हमलावर बाइक से भागा जबकि दूसरा हमलावर पैदल ही खेतों की तरफ भागा था और करीब 1.5 किलोमीटर तक ग्रामीणों ने उसे जब खदेड़ा तो वो खेत के रास्ते वो भागने की कोशिश करने लगा और इधर लगातार वो फायरिंग कर रहा था, जिसमें अभी तक 5 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आ रही है जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बाद में ग्रामीणों ने उसे पकड़ भी लिया हमलावर को, उसके पास से 2 पिस्टल मिले हैं और लगातार वो इसी पिस्टल से फायरिंग कर रहा था। पूछताछ में बताया कि वो विजय कुमार की हत्या करने आया था, जो वार्ड काउंसलर था उसकी हत्या करने के इरादे से आया था और उसके बाद किसने हत्या की और क्या कारण था, फिलहाल पुलिस इस मामले में भी छानबीन कर रही है कि क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह वो बैग पे अपने कंधे पर पिट्ठू बैग लेके आया और ताबड़तोड़ दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था, पुलिस का भी मानना है कि ये शूटर है, पेशेवर शूटर है और इसे हत्या करने के इरादे से यह इलाके में भेजा गया था। लेकिन भीड़ के हत्थे से बचने के लिए वो लगातार फायरिंग करते हुए खेतों में भागा और इस दौरान लगातार फायरिंग कर रहा था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि उसके जो दूसरे सहयोगी हैं उनके लिए उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की रही है। शुक्रिया आपका अमिताभ ओझा जानकारी हमें देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज 24।